Okay, now these are the two last questions in the miscellaneous problems of the permutation under restricted condition. Reason यह है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा permutation में question अकेले permutation में नहीं होते, जब permutation and combination, जब हम थोड़ा combination में भी उतर जाएंगे, so we'll have the more tough question, different variety of questions. तो ये मैं last question दो ले रहा हूँ और उसके बाद में हम combination में enter करेंगे. राइट, देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्र विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. इसमें वोवेल अपनी जगह रहेगा और कॉन्सोनेंट अपनी जगह रहेगा, बट दे कैन रीअरेंज देम सेल्फ. राइट, सो टोटल इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, सो वी हैव टू फाइंड आउट. अब देखिए, इसमें पाटलिपुत्र में इसमें से आप पहले कॉन्सोनेंट्स अलग निकाल लीजिए. कॉन्सोनेंट से इसमें पी, फिर टी, पी टी एल, और फिर अगेन पी पी एंड अगेन टी एल एंड आर. दीज आर द कॉन्सोनेंट्स. सो थ्री थ्री सिक्स सिक्स कॉन्सोनेंट्स आ गया, और इसमें देखेंगे कि कितने इसमें वोवल्स हैं. वोवल एक हो गया, देर आर टू वोवल्स, एंड उसके बाद में एल आई आई आपका एक ही है, आई एक ही है, यू एक ही है, राइट, एंड टी आर ए. सो टोटल थ्री सिक्स एंड सिक्स एंड फोर टेन. सो टोटल 10 लेटर वर्ड इज देयर. सो इट्स इट इज अ थ्री थ्री सिक्स सिक्स एंड फोर टेन, 10 लेटर वर्ड इज देयर. अब देखिए पॉइंट क्या है इसमें. इसमें यह है कि कॉन्सोनेंट इन बिटवीन, जो कॉन्सोनेंट की जो पोजिशन है इसमें पाटलिपुत्रा में, कॉन्सोनेंट्स अपनी उसी कॉन्सोनेंट की पोजीशन पे ही रीअरेंज होंगे, तो हमें अलग से रीअरेंज करना पड़ेगा कॉन्सोनेंट्स को और अलग से रीअरेंज करना पड़ेगा वोवल को. वोवल अपनी ही जगह आपस में रीअरेंज होंगे, तो आपस में टोटल वर्क कितने तरह से होगा, और इसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, बिकॉज वन पार्ट इज ऑफ अरेंजिंग द कॉन्सोनेंट्स एंड अनदर पार्ट इज अरेंजिंग द वोवल. तो हम दोनों को क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई, बिकॉज द टोटल वर्क जो पाटलिपुत्र है तभी पूरा हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट को अगर हम अरेंज करते हैं, सो दिस इज द थ्री थ्री सिक्स, सो सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द टू फैक्टोरियल फॉर द टू सिमिलर पी, और टू टी के लिए टू फैक्टोरियल आ जाएगा. सो दिस इज द 720, सेवन सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 × 125 फैक्टोरियल होता है. दिस इज द फोर, फोर थ्री जा 30, एंड दिस इज द 180, राइट. सो दिस इज टोटल 180 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अरेंज द कॉन्सोनेंट्स, और इसके बाद में देखते हैं इनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 2 फैक्टोरियल, राइट. दो ए एक जैसे हैं, सो 24, दिस इज 12. सो यू हैव सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. देखिए ये हमने सही किया है, 4 3 जा 12, एंड दिस इज 6 × 5 फैक्टोरियल इज 120, राइट. सो दिस इज 30, 180 इज राइट, एंड हियर इट इज 12. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 180 इनटू, एंड दिस इज 12. व्हाई वी मल्टीप्लाइंग, बिकॉज टू आर रीअरेंजिंग द कॉन्सोनेंट एट देयर प्लेसेस इज वन पार्ट ऑफ द वर्क, टू रीअरेंजिंग द वॉवल्स एट देयर प्लेसेस इज द अनदर पार्ट ऑफ द वर्क, एंड वी हैव टू अरेंज द टोटल पाटलिपुत्र वर्ड, सो दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई, दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका 18. दिस इज इक्वल्स टू 160. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज बाई वी वी कैन अरेंज द पाटलिपुत्र वर्ड, राइट. सो इसके बाद में नेक्स्ट ले लीजिए आप, इजी क्वेश्चन है ये. देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर अपीयर टुगेदर. कभी भी एक सबसे अच्छा बेस्ट पेपर एंड वर्स्ट पेपर नेवर अकर टुगेदर, देन सिक्स एग्जाम पेपर्स कैन बी अरेंज्ड
इन हाउ मेनी वेज। तो अगर वो ये चाहते हैं कि 6 पेपर्स हैं उनको अरेंज करना है, तो वो उनका जो अरेंजमेंट है वो सभी वेज में पॉसिबल है, बट दे डू नॉट वॉन्ट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर टू बी टुगेदर। एक साथ उनको नहीं चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए मतलब एक साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पेपर आया वर्स्ट उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो है बेस्ट आ जाए, या बेस्ट आ जाए बेस्ट के साथ में अटैच्ड वर्स्ट पेपर हो उसी के जस्ट बाद। तो ये दोनों कंटिन्यूशन में दोनों पेपर नहीं होने चाहिए, ये चाहता है, ठीक है ना। तो उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, एक काम करते हैं कि पहले सारे पेपर्स को हम अरेंज लिख देते हैं, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू टोटल अरेंजमेंट माइनस व्हेन टू पेपर्स कम्स टुगेदर। देखिए ये दोनों वर्स्ट और बेस्ट पेपर को साथ कर दिया है, तो पहले टोटल तो 6 पेपर्स को हम 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, और इसमें क्या करेंगे बाकी 6 पेपर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज ये बेस्ट और वर्स्ट पेपर है, इन दोनों का एक पैकेट बना देंगे, और आपके पास में फिर भी 4 और एक ये 5, बिकॉज वी आर डिलीटिंग दैट नंबर व्हेन टू पेपर्स, कौन से पेपर, बेस्ट एंड वर्स्ट दीज वर्स्ट पेपर कम्स टुगेदर, ये साथ आएंगे, टोटल में से साथ आने वाले आ जाएगा, तो नहीं साथ आने वाले आ जाएगा टोटल, सो वो निकालना है। एंड सी दिस इज द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर, लेट से फॉर एग्जाम्पल हो, एंड व्हाट इज देयर, 4 पेपर ये और एक ही हम पैकेट वाला एक पेपर मान लेंगे, तो 5 हो गए, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बेस से, बट ये बेस्ट और वर्स्ट आपस में ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल बेस से हो जाएगा, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 × 5 फैक्टोरियल माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल, सो 6 फैक्टोरियल में से 4 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल, सो दिस इज 120 × 4, सो 5 फैक्टोरियल इज 120 × 4, सो इट इज इक्वल टू 480, राइट। 480 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से हमारा ये परम्यूटेशन अंडर द रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन फिनिश हुआ। लगभग सारे कोशिश की मैंने सारे क्वेश्चंस लेने की अलग अलग वैरायटी, ठीक है, लेकिन हम जब कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसके बाद में इन बिटवीन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कॉम्बिनेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ थोड़ा टफनेस लेवल भी बढ़ता अच्छा खासा, और वहाँ अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है ना। सो जब PNC दोनों मिक्स होते हैं तो उसके बाद में जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्बिनेशन।